नमस्कार, मेरा नाम अनिल डॉलर है और एसएमएस गेटवे प्रोजेक्ट के 11th लेक्चर में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम मैंने सीएसआरएफ फील्ड्स जनरेट करना बताई थी और सीएसआरएफ फील्ड्स से जो फॉर्म को डाटा आ रहा है उसको वेरीफाई करके ही हम आगे प्रोसेस कर रहे हैं। ये चीज़ें मैंने बताई थी आपको। मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट करके फिर से बता देता हूँ आपको कि मेरे लॉगिन फॉर्म के अंदर मैंने एक सीएसआरएफ फील्ड जनरेट करवा रखी है। अगर आप मेरा लॉगिन फॉर्म देखेंगे तो इस फॉर्म के अंदर एंटर करते ही इनपुट टाइप हिडन आ रहा है और यहाँ पर आप देखिएगा, ये फॉर्म के अंदर ही मैंने एक फंक्शन बनाया था गेट सीएसआरएफ। ठीक है, गेट सीएसआरएफ नाम का फंक्शन को मैं कॉल कर रहा हूँ तो वो फंक्शन कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न कर रहा था। दो चीजें होती हैं, फंक्शन को कॉल करना और डिफाइन करना। तो मैंने कॉल यहां किया है तो डिफाइन यहां किया है। और ये देखिए, मैंने रिटर्न करवा दिया इनपुट और मैंने सेशन वेरिएबल को सीएसआरएफ टोकन जो मेरा जनरेटेड था उसको रिटर्न करवा दिया। और ये जो सीएसआरएफ टोकन मैंने ऊपर कहां बना रखा है, ऊपर ही ऊपर बना रखा है, यदि सीएसआरएफ टोकन सेट नहीं है तो वो रिटर्न कर रहा था। उसको मैंने एक MD5 में ले लिया था माइक्रो टाइम। ठीक है, मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये है, इन दोनों के बीच में एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा, उसको टाइम से कंकैटिनेट करेगा, उन दोनों का MD5 बनाएगा और रिटर्न कर देगा। रिमेंबर मी भी मैं बता चुका था आपको। एप्लीकेशन के अंदर अगर आप जाके देखेंगे कुकीज सेक्शन के अंदर, ये देखिए ये डॉलर इन्फोटिक की कुकीज रही। ये अगर मैं इनको डिलीट कर दूं सबको और मैं यहां से अगर लॉग इन पे क्लिक करूं, इस पर टिक करके, तो मेरे कुकीज भी स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, ये देखिए कुकीज आ गए मेरे। ठीक है, अब यहां पर मैं कैरियर्स की बात करता हूं। कैरियर्स का हम क्रट कर लेते हैं। हमारा फर्स्ट मॉड्यूल है, एप्लीकेशन का फर्स्ट मॉड्यूल है, दैट इज कैरियर। कैरियर्स क्या है? कैरियर्स कैरियर्स आर क्लाइंट्स और वेंडर्स। सो कैरियर्स जो होंगे वो बेसिकली क्लाइंट या वेंडर होंगे। वेंडर का मतलब ये होता है जिससे आप एसएमएस ले रहे हो, और क्लाइंट मतलब आपके कस्टमर्स। इसको मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, कस्टमर, और वेंडर का मतलब हो गया सप्लायर। ठीक है, क्लाइंट को आप कस्टमर भी कहते हैं और वेंडर को आप सप्लायर भी कहते हैं। वेंडर वो कंपनीज हैं जो जिससे आप एसएमएस ले रहे हो, क्लाइंट वो कस्टमर्स हैं आपके जिनको आप एसएमएस बेच रहे हो। ठीक है, तो कैरियर्स का हम क्रट कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी व्यू बना दिया था कैरियर सेक्शन के अंदर, आप देखिएगा मैंने व्यू बना दिया था। सिस्टम एडमिन मेरा कंट्रोलर फोल्डर है और कैरियर्स नाम का कंट्रोलर है। ये देखिए, ये रहा सिस्टम एडमिन और कैरियर्स नाम का मैंने कंट्रोलर बना रखा है। और कंट्रोलर जो है बेसिकली ये कुछ भी नहीं बल्कि एक क्लास है, उसके अंदर कुछ मेथड्स बना रखी है मैंने। ये ऐड कैरियर नाम की भी मेथड बना रखी है मैंने, ताकि यहां पर यदि मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो यहां पर यूआरएल में देखिएगा नीचे नीचे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पर कि वो मुझे कहां ले जाएगा, कैरियर्स कंट्रोलर की ऐड कैरियर मेथड पर मुझे ले जाएगा। जैसे ही यहां पर क्लिक करूंगा तो मेरी ये वाली मेथड कॉल होगी और इस पर मैंने और कुछ नहीं बल्कि एक व्यू रिटर्न करवा रखा है। और व्यू में भी देखिए बैकएंड के अंदर सिस्टम एडमिन के अंदर ऐड कैरियर वाली व्यू रिटर्न हो जाएगी, मतलब ये ऐड कैरियर वाला व्यू रिटर्न हो जाएगा। इस व्यू के अंदर गए, फॉर्म के अंदर जाके आप वापस से मैंने गेट सीएसआरएफ टोकन यहां पर जनरेट करवा दिया। मतलब अगर मैं इस व्यू के अंदर भी आपको जाके देखूं, ठीक है, ये देखिए मेरा ये इनपुट टाइप रिटर्न आ रहा है। अब डीबी की अगर मैं बात करूं तो मैंने एसएमएस गेटवे के अंदर कैरियर्स नाम से मैंने एक टेबल बना रखी है।
और इस कैरियर टेबल के अंदर ये देखिए एसएमएस गेटवे के अंदर कैरियर्स नाम से एक टेबल बना रखी है, इसके अंदर मैंने एक हार्ड कोडेड यहां से मैंने इंसर्ट कर रखे हैं कुछ रिकॉर्ड्स, ठीक है। सो कैरियर नेम, कैरियर टाइप, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सो कैरियर टाइप में क्लाइंट और वेंडर, मतलब जो आपका ये बेसिकली कैरियर का नेम है वो आपका कस्टमर है कि आप इससे एसएमएस ले रहे हो। रीजन में मैंने ये यहां पर एशिया दे दिया, ट्रस्टेड कस्टमर। हाँ, जो एसएमएस का ट्रैफिक होगा वो आपको इस कैरियर से लेना है या इस कैरियर को देना है, इनबाउंड ट्रैफिक और आउटबाउंड ट्रैफिक, ठीक है। सो इनबाउंड का मतलब इस कैरियर से आपको एसएमएस रिसीव भी हो सकता है, आउटबाउंड मतलब इस कैरियर को आप ट्रैफिक दे भी सकते हो, या तो ट्रैफिक मतलब एसएमएस को रिसीव भी कर सकते हो इससे और एसएमएस इस पर आप दे भी सकते हो। उसके बाद एसएमएस एड्रेस हो गया और कंट्री आईडी हो गया। यहां पर आप देखिएगा डेटा स्ट्रक्चर, अगर मैं आपको बता दूं, सो कैरियर टाइप को मैंने यहां पर क्या ले रखा है, इन्यूमरेटेड डेटा टाइप ले रखा है, जिसमें इन्यूमरेटेड में सिर्फ फिक्स्ड वैल्यूज होती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। सो दो ही वैल्यू ले रखी है मैंने, वेंडर और क्लाइंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर मैंने कंट्री आईडी ले रखा है, और यहां पर मैंने एक टेबल और बना रखी है कंट्रीज नाम से, कंट्रीज नाम से मैंने एक टेबल बना रखी है, एसएमपीपी एसडब्ल्यू कंट्रीज नाम से एक टेबल बना रखी है। ये देखिए कहीं पर मेरा कंट्री नेम आ रहा है, कंट्री कोड दो लेटर में, कंट्री कोड तीन लेटर में, कंट्री कोड है ना, उनका डायल कोड क्या है, ऐसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। हर एक कॉलम को मैंने चेंज नहीं किया है अभी तो, बट बाद में कर लेंगे। सो ये कंट्रीज आ रहा है। अब यहां पर आप देखिए कि मैंने कस्टमर अगर एड कर रखा है, ये कस्टमर ऐड कर रखा है तो ये किस रीजन को बिलोंग कर रहा है, बेसिकली एशिया। मान लीजिए मैं इंडिया में हूं तो इंडिया एशिया के अंदर आता है, तो यहां पर मैंने एशिया ले लिया और यहां से मैंने ले लिया कंट्री आईडी। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है कि यहां पर हमने फॉरेन कंस्ट्रेंट्स लगा रखे हैं। अगर मैं यहां रिलेशन व्यू में जाऊं, यहां पर रिलेशन व्यू में, सो ये देखिए ये कंस्ट्रेंट्स मैंने लगा रखा है कि इस टेबल का एसएमपीपी कैरियर्स वाली टेबल का जो कंट्री आईडी वाला कॉलम है वो एक्चुअल में मैच होना चाहिए एसएमएस गेटवे डाटाबेस के कंट्रीज टेबल के आईडी से मैच होना चाहिए, जिससे क्या होगा दो टेबलों के बीच में कंस्ट्रेंट एस्टेब्लिश हो जाए। और कंस्ट्रेंट एस्टेब्लिश करना बहुत जरूरी होता है, लिंकिंग करना बहुत जरूरी होता है डेटा को। सो यहां पर यदि मैं ब्राउज में जाऊं और इस इंफॉर्मेशन को यदि मैं एडिट करने की कोशिश करूं तो कंट्रीज वाले कॉलम में मैं हर कुछ नहीं बल्कि ऐसी वैल्यू ही टाइप कर सकता हूं जो उसमें एग्जिस्ट होगी, क्योंकि अगर इस टेबल में देखूं तो मेरे लास्ट लास्ट रिकॉर्ड पे चले जाऊं और सबसे लास्ट वाला रिकॉर्ड किस आईडी पर आ रहा है, सबसे लास्ट वाली कंट्री जो है वो 149 कंट्री आईडी पर आ रही है, 249 कंट्री आईडी पर आ रही है, 250 नाम की कोई कंट्री मेरे डेटाबेस में अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर यदि मैं 250 अगर डालने की कोशिश करता हूं और वो पे क्लिक करूंगा तो मेरा सिस्टम मुझे एरर जनरेट कर देगा। यही कंस्ट्रेंट की खासियत होती है कि जो भी वैल्यू आप डाल रहे हो उसका रिलेशन उस टेबल से होना ही चाहिए, वो पर्टिकुलर कोई ना कोई रिकॉर्ड मौजूद होना ही चाहिए। ये चीज को इस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस को आप कंस्ट्रेंट के थ्रू क्या कर सकते हो, एस्टैब्लिश कर सकते हो। अगर ये कंस्ट्रेंट में नहीं लगाता, फॉरेन कंस्ट्रेंट नहीं लगाता, तो मैं जो चाहूं यहां पर वैल्यू डाल सकता था। मेरे कंट्रीज टेबल के अंदर सिर्फ 249 कंट्रीज है, अगर कंस्ट्रेंट नहीं होता तो इस टेबल में मैं कंट्रीज में अगर 1000 वैल्यू भी डालता ना तब भी वो स्टोर हो जाता। तो कंस्ट्रेंट इंसर्ट करने का, कंस्ट्रेंट लगाने का सबसे उद्देश्य यही होता है कि जो भी वैल्यू आप डाल रहे हो वो एक्चुअल में करस्पॉन्ड करनी चाहिए उस टेबल की किसी ना किसी वैल्यू से रिलेटेड होनी चाहिए। सो कंस्ट्रेंट्स हमें इस बात की गारंटी देते हैं, श्योरिटी देते हैं कि आपके पास कोई भी बोगस रिकॉर्ड नहीं होगा,
मतलब ऐसा अनमैच्ड रिकॉर्ड अवेल नहीं होगा, अनमैच्ड रिकॉर्ड की चांसेस बिल्कुल जीरो रहेगी। और अगर आप कंस्ट्रेंट फॉलो नहीं करते हो और गलती से यहां पर कुछ भी आईडी अगर डल जाता है तो आपके पास हाई चांसेस हैं कि आप ऐसी वैल्यू भी इंसर्ट कर सकते हो जिससे कि दूसरी टेबल में उसकी आईडी अवेलेबल ही ना हो, तो जब आप उसको ज्वाइन करवाएंगे तब आपको रिजल्ट मिलेगा नहीं। तो हमेशा हमें कंस्ट्रेंट एस्टेब्लिश करना चाहिए। अब यहां पर ये कैरियर टाइप आ रहा है, मगर इस फॉर्म के अंदर देखिए मेरे पास कहीं पे भी कैरियर टाइप नहीं आ रहा है। सो आप चाहें तो यहां पर कैरियर टाइप ले सकते हैं। सो कैरियर डायरेक्शन, एक छोटा सा मैंने यहां पर ये कॉपी किया और ये कॉल एमडी थ्री के बाद में मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया और इसको मैंने बोल दिया कैरियर टाइप। अब कैरियर टाइप मेरे पास क्या है, दो ही वैल्यू पॉसिबल है, इसलिए क्या लेना अच्छा है, सिलेक्ट ऑप्शन। तो सिलेक्ट ऑप्शन में गया, ये टेक्स्ट एरिया को मैंने यहां से हटाया और दो वैल्यू ले लेता हूं मैं यहां से। सबसे पहली वैल्यू तो क्या ले लेता हूं, क्लाइंट, और दूसरी वैल्यू ले लेता हूं वेंडर। अब यहां पर आप देखिएगा कि यहां पर वो वैल्यू लिखना है जो डीबी में आपने स्टोर कर रखी है, और डीबी में आपने देखिए कैपिटल में स्टोर कर रखा है। अगर इनम में ले ना, ये देखिए कैपिटल में लिख रखा है मैंने, इसलिए यहां पर वैल्यू आपको कैपिटल में लिखनी पड़ेगी, सी एल आई ई एन टी और वेंडर। और यहां पर जाके मैंने नेम दे दिया, यहां पर नेम दे दिया कैरियर अंडरस्कोर टाइप, ठीक है, कैरियर टाइप दे दिया। और आप चाहें तो यहां पर आईडी दे दिया मैंने, इसको भी क्या दे दिया कैरियर टाइप, और ये फॉर एट्रीब्यूट में ये दोनों इसको रिस्पॉन्ड करेंगे, ये नेम एट्रीब्यूट इसका आ जाएगा। ये ट्रैफिक डायरेक्शन मैंने दे रखा है, ठीक है, सेव किया और आउटपुट देखा। ठीक है, ये आ गया कैरियर नेम, कैरियर किस टाइप का है, इससे ट्रैफिक कौन से अलाउ करने हैं, ये किस रीजन का है, और चूंकि यहां लास्ट ही लास्ट में मेरे पास कंट्री आईडी भी है तो यहां पर मुझे कंट्रीज भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, यहां पर मुझे कंट्रीज भी लेनी पड़ेगी, सो कंट्रीज भी ले लेते हैं। सो रीजन से कंट्रीज, ठीक है, कंट्रीज, और यहां मैंने कंट्रीज आईडी, और अभी हार्ड कोडेड मैं कुछ कंट्रीज ले लेता हूं, अभी हार्ड कोडेड में ले लेता हूं जैसे इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, दो कंट्रीज में ले लेता हूं अभी हार्ड कोडेड। ठीक है, ये मैंने रिफ्रेश किया, ये आ रहा है, और ये भी मेरा, इसको इसमें मैं ले लेता हूं, ये फॉर्म ग्रुप इस कॉल थ्री के अंदर ले लेता हूं और इंडेंट किए, अननेसेसरी स्पेसेस मैंने हटा दिए और सेव किया, सिस्टमेटिकली आ गया। कैरियर नेम आएगा, कैरियर टाइप आ गया, एड्रेस, रीजन, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए कि रीजन से अगर मैं एशिया सिलेक्ट करूंगा तो यहां पर सिर्फ एशिया की कंट्रीज आनी चाहिए, यदि यहां से मैं यूरोप सिलेक्ट करूंगा तो यहां पर सिर्फ यूरोप की कंट्रीज आनी चाहिए, ऐसा मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो आप देखिए कंट्रीज टेबल में मेरे पास एक ऐसा कॉलम है जहां पर वो कॉन्टिनेंट बताता है। सो ये देखिएगा, ये कॉलम 22 जो है मेरी टेबल के अंदर, ये बाय डिफॉल्ट इसी को बिलोंग कर रहा है। ईयू का मतलब यूरोप होता है, एएस का मतलब एशिया। सो यहां पर मैं अगर गूगल पे जाके लिखूं कॉन्टिनेंट लिस्ट विथ लेटर, कॉन्टिनेंट लिस्ट विथ लेटर, तो देखिए यूरोप के लिए क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, ईयू, नॉर्थ अमेरिका के लिए एनए, ओशियाना के लिए
ओशिएनिया के लिए ओसी और साउथ अमेरिका के लिए ऐसे। ये हमारे पृथ्वी के कॉन्टिनेंट है, उस हिसाब से इनके कुछ लेटर्स असाइन किए गए हैं। और ये देखिए ए एस, ये उज्बेकिस्तान, ये कहां पड़ता है? एशिया के अंदर पड़ता है। सो कॉलम 22 को मैं यहां से अगर रीनेम कर दूं, कॉलम 22 को यहां से मैं चेंज करूं और रीनेम कर दूं, क्योंकि ये टेबल मैंने गूगल से एक सीएसवी फाइल मैंने इंपोर्ट किया था और वहां से ये इस टाइप से आता है। सो यहां पर मैंने लिख दिया कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट। सो कॉन्टिनेंट लिखा और कुछ नहीं, कॉन्टिनेंट, और मैं सेव कर देता हूं। और ये टेबल आप कैसे, कंट्रीज वाली टेबल कैसे लाएंगे, ये आपको अगर लाना है तो गूगल पे जाइए और कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट कंट्रीज डायलिंग कोड विद एक्सेल करके आप सर्च करना, ठीक है? ऐसे बहुत सारे आपको ये मिल जाएंगे, ये आगे। सो मैंने शायद ये वाला सीएसवी फाइल इसकी डाउनलोड करी थी, कंट्री कोड आईटीयू लिस्ट ये, और ये इसकी जिप फाइल। सो मैं ये यहां से ये क्या करता हूं, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और इस टेक्स्ट फाइल के अंदर पेस्ट कर देता हूं, ताकि ये जो भी हमारे रिसर्च के काम रहेंगे उनकी लिंक, कहां से कौन सी लिंक मैंने फॉलो कर रखी है वो मैं आपको बताता चलूं, ठीक है? यहां से आपने ये डाउनलोड किया, ये जिप फाइल, और ये जिप फाइल यहां पर डाउनलोड हो जाएगी और ये जिप फाइल डाउनलोड होने के बाद ये ओपन फोल्डर में आप जाइएगा। ये कट किया, यहां से मैंने डेस्कटॉप पे पेस्ट किया और इस फाइल को मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहां पर आप जाइएगा, ये आया, इसके अंदर आप जाइएगा, ये एक फाइल मिलेगी जिसका एक्सटेंशन यहां पर क्या दे रखा है, सीएसवी। इस फाइल को आपको क्या करना है, अपने पीएचपी माई एडमिन में जाके इंपोर्ट सेक्शन में जाना है। कहां पर? इंपोर्ट। इंपोर्ट में जाना है, यहां से चूज फाइल पे जाओगे और डेस्कटॉप पे आप जाना, जहां पे भी आपने वो पेस्ट कर रखा है, यहां गए, यहां गए और इसको सिलेक्ट किया, और इसको आप जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये पूरी की पूरी टेबल कुछ इस प्रकार से आ जाएगी, जिसमें कॉल वन, कॉल टू, कॉल थ्री ये लिखा हुआ होगा। अब कॉल वन, कॉल टू जो है उनको किसी किसी को मैंने रीनेम कर दिए, जो जो मैं पहचान पा रहा था कि हाँ इस कॉलम को ये कहते हैं तो मैंने रीनेम कर दिए। सिमिलरली कॉल 22 को मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया और उसको मैंने नाम क्या दे दिया, कॉन्टिनेंट दे दिया। तो इस प्रकार से आप ये टेबल ला सकते हो। हो सकता है वीडियो स्टार्ट जब मैंने किया हो ये टेबल एकदम से मिली हो, आपके क्वेरीज हो दिमाग में कि ये टेबल कहाँ से आई, तो ये टेबल एक्चुअल में मैंने गूगल से एक सीएसवी से इंपोर्ट करवा लिया, और मैं यहाँ लिंक भी मेंशन कर रहा हूँ, कभी आप भूल जाएं तो इस लिंक पर जाके वो आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है? अब यहां से यहाँ रीजन रहा, अब यहां पर मैं कुछ रीजन कोड ले लेता हूं, जैसे यहां पर गया, अब ठीक है। सो ये कोड लेटर यहां से मैं असाइन कर देता हूं, जैसे अफ्रीका के लिए, अफ्रीका के लिए ए एफ है। सो यहां पर वैल्यू में मैंने क्या लिख दिया, कैपिटल में ए एफ, क्योंकि ये वैल्यू जाएगी, ये सर्वर पर जाएगी और कंट्रीज टेबल से पूछेगी कि ए एफ जो है ना कॉन्टिनेंट में ए एफ किसका है। तो ये देखो, सो ये अल्जीरिया जो है ये अफ्रीका के अंदर आता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर अल्जीरिया नाम की कंट्री आती है। सो मैं यहां पर कुछ ऐसा करना चाहता हूं कि जैसे ही मैं यहां पर अफ्रीका लिखूंगा तो अफ्रीका को बिलोंग करने वाली कंट्रीज यहां पर आ जानी चाहिए, ये मेरा रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो इसी प्रकार से यहां पर वो लेटर्स मुझे जो दो कैरेक्टर के जो लेटर्स होते हैं कॉन्टिनेंट के, वो यहाँ असाइन करने पड़ेंगे और
मैं फिर कंट्रीज टेबल से ऐसे कंट्रीज ले आऊंगा जहां जो उस कॉन्टिनेंट को बिलोंग करती है। सो एशिया के लिए एएस है, थोड़ा सा अगर आप देखेंगे तो एशिया के लिए एएस है, यूरोप के लिए ईयू है, सो यूरोप के लिए ईयू है, और नॉर्थ अमेरिका के लिए एनए है, और साउथ अमेरिका के लिए ऐसे। और कुछ कॉन्टिनेंट ले नहीं रखे हैं जैसे कि एंटार्क्टिका और ओशियाना, वो रीजन ये है कि यहाँ पर कोई पब्लिक ही नहीं रहती। तो ऐसा कौन सा क्लाइंट होगा आपका, या ऐसा कौन सा कस्टमर होगा जो एंटार्क्टिका में और ओशियानिया में रहता हो? डेफिनेटली, बट आप चाहें तो आप ले सकते हैं, तो ले ही लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल डी और यहां से मैंने ले लिया ओशियाना। ओसियाना, और इसको मैंने ओसी बोल दिया, ओसी, और यहां पर मैंने बोल दिया अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका हो गया, और इसको मैंने लेटर ए एन असाइन कर दिया, ए एन, सेव किया। और यहाँ पर कई बार फॉर्म के अंदर ये फील्ड्स नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड्स है, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, दैट इज कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, ठीक है, कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट। तो ये रीजन मतलब कॉन्टिनेंट, और ये यहाँ पर आपको अधिकतर टाइम फॉर्म्स की फील्ड्स, उनकी स्टाइलिंग और ये करने में लग जाता है, बट जब आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो ये चीजें पहले ही फिक्स हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स कर दिए हैं। दूसरा जो प्रोजेक्ट सेटअप करके मैं बना रहा हूँ उसमें तो बहुत ही इंप्रूवमेंट कर दिए मैंने, ठीक है। अब यहां से जैसे मैं एशिया सिलेक्ट करूंगा, यहां पर ये आ जाएगा, ठीक है। ट्रैफिक कौन सा अलाउ है, एड्रेस क्या है, कैरियर नेम क्या है, ये सारी चीजें मुझे कहाँ स्टोर करनी है, मेरे इस वाली टेबल में स्टोर करनी है, कैरियर्स टेबल में, SNPPSW कैरियर्स के अंदर, ठीक है। सो बट उससे पहले यहां पर कंट्रीज, कंट्रीज जो है, यहां पर मैं लिख देता हूं सिलेक्ट कंट्री, सिलेक्ट कंट्री, ठीक है, ये वैल्यू खाली रहेगी, यहां कंट्री आईडी हो गया। बाय डिफॉल्ट यहां पर एक भी कंट्री नहीं होगी, क्योंकि पहले आप ये सिलेक्ट करोगे, पहले आप ये सिलेक्ट करोगे उसके बाद यहां पर एंट्री आएगी। सो ये सारा कोड मुझे लिखना पड़ेगा। सो सबसे पहले तो आपको अपना जेक्वायरी यूज करना पड़ेगा, जिसके थ्रू आपको एक एजेक्स रिक्वेस्ट करनी होगी। सो यहां पर आपको एजेक्स रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, एजेक्स रिक्वेस्ट। सो एजेक्स का फुल फॉर्म है असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, असिंक्रोनस जावा जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल, ये एक एजेक्स रिक्वेस्ट आपको करनी पड़ेगी, और वहां से डाटा आपका आएगा। सो उसके लिए हम रेडी करते हैं हमारा कोड। सो अब जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ लिखना है हमें, स्क्रिप्ट टैग के अंदर, और आप चाहें तो बेटर होगा कि आप कोड कहीं पे भी लिख सकते हो, तो मैं अभी फुटर में लिख देता हूं। तो मैं फुटर में गया, फुटर में लास्ट क्लास में, ये देखिए, जब भी आपको जेक्वेरी पे काम करना है तो आपको अच्छी तरीके से पता है पहले जेक्वेरी लोड होना जरूरी है। तो लाइन नंबर यहां पर देखिए, फुटर के लाइन नंबर 18 पर जेक्वेरी लोड हो रहा है, और लास्ट ही लास्ट में मुझे अपना कुछ कोड लिखना है, तो वो सबसे लास्ट ही लास्ट में होना चाहिए। इंडेंटेशन का आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर क्या आएगा, मेरा कस्टम कोड आएगा, ठीक है। अब यहां पर सबसे पहला स्टेप होता है चेक फॉर जेक्वेरी लोड, पेज लोड इवेंट, चेक चेक फॉर जेक्वेरी पेज लोड इवेंट। सो इसके लिए मुझे चेक करना है, वो मैं कैसे कर सकता हूं, तीन तरीके होते हैं, तीन में से कोई सा भी यूज कर लो। मैं पहला तरीका यूज कर रहा हूँ, जेक्वेरी फंक्शन को कॉल किया और उसमें कॉल बैक फंक्शन सप्लाई कर दिया,
यहां पर डॉलर सप्लाई करना और यहां पर आप लिखना अलर्ट में ओके। अगर ओके मैसेज आ गया मतलब आपका जेक्वेरी काम कर रहा है। ये सेव किया और रिफ्रेश करके आउटपुट देखा आपने, देखो ओके मैसेज आ रहा है। अब जब भी आप जेक्वेरी पे काम कर रहे हो या जावास्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो तो इंस्पेक्ट एलिमेंट करके कंसोल टैब पर ही ध्यान रखना है आपको। ये सबसे इंपॉर्टेंट टैब है, ये सारे टैब हमें काम आते हैं क्योंकि अभी तक मैंने क्या यूज कर लिया, एलिमेंट यूज कर लिया, कंसोल यूज कर लिया, एप्लीकेशन यूज कर लिया। आगे चल के आप जाओगे तो ये सारे टैब धीरे धीरे आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सारे यूज होते हैं। सबसे पहली चीज ये हो गई कि यहां पर जो है एरर्स नहीं आने चाहिए, एरर वाले जितने भी टैग हैं वो आपको हटाने पड़ेंगे। बट अभी देखिए कि हमारा जो ऑनलोड वाला इवेंट है अलर्ट आ रहा है, इसलिए इनको फिर कभी अपन सॉल्व करेंगे। ये जब भी आ रहे हैं ना, ये क्यों आ रहे हैं ये देखेंगे, कुछ मैप वैप के कुछ कोड हैं और दूसरा येलो में कुछ वार्निंग्स आ रही है। तो ये बोल रहा है फाउंड टू एलिमेंट विथ नॉन यूनिक आईडी, दो एलिमेंट मिले विथ सेम आईडी। तो ऐसा तो होता ही नहीं है कि दो एलिमेंट की सेम आईडी दे दो, हर एलिमेंट की अलग अलग आईडी होती है। सो थोड़ा सा यहाँ कोड में गए और आप देखिएगा कि दो एलिमेंट जिसकी सेम आईडी है, ये देखो ट्रैफिक डायरेक्शन, ट्रैफिक डायरेक्शन, ठीक है। इसमें लेबल में फॉर होगा ही नहीं क्योंकि फोकस कहाँ ट्रांसफर होगा, कहीं नहीं होगा। तो ये दोनों की आईडी मैंने यहां से हटा दी, उनकी आईडी सेम आईडी मैंने हटाई दी। अब सेव किया मैंने और वो जो एरर आ रही थी ऑरेंज कलर में वो हट जाएगी, अब वो तो हट गई, ठीक है। और अलर्ट भी आ रहा है, इन दोनों को हम फिक्स करेंगे जेक्वेरी मैप। सो जेक्वेरी मैप को आप फिक्स कर सकते हो यहां पर, ये रहा जेक्वेरी मैप, इन दो कोड को आप फिक्स कर सकते हो। सो मैं इनको अभी कमेंट कर रहा हूं और इनको मैं HTML से अभी कमेंट कर देता हूं, HTML से इनको अभी कमेंट कर देता हूं ताकि मेरे कोड में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आए। ये HTML कमेंट कहलाता है। ठीक है, ये मैंने पूरा का पूरा कोड कमेंट कर दिया, रिफ्रेश किया। देखिए कोई एरर नहीं आ रही है, डॉलर वेक्टर मैप इज नॉट डिफाइंड जेक्वेरी मिन डॉट जे, ठीक है। इनको बाद में देखेंगे, हमारा अलर्ट तो मैसेज आ रहा है अभी, ये देखिए आ रहा है ना। अब यहां पर हमें ये करना है कि इसके चेंज पर, कि जैसे ही मैं यहां पर चेंज करूंगा इसके चेंज पर मुझे एक रिक्वेस्ट करनी है। सो यहां पर आए और यहां पर आपको लिखना है jQuery on change। सो jQuery on change ये वाला, सो डॉलर डॉक्यूमेंट ऑन चेंज, ये कोड आपको यूज करना है। सो आप चाहें तो डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो क्योंकि आपका कोड लास्ट में यूज हो रहा है। सो डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट ऑन चेंज और किसके चेंज पर, सो किसके चेंज पर, वो आपको यहां पर ये देना पड़ेगा, ये कॉन्टिनेंट और यहां पर आप चाहे तो ये कॉन्टिनेंट भी क्लास के थ्रू आप यूज कर सकते हो, और कॉन्टिनेंट या इसको कॉन्टिनेंट या रीजन बोल दिया, दोनों एलिमेंट को आईडी भी कॉन्टिनेंट और क्लास भी कॉन्टिनेंट में प्रायोरिटी आईडी की हो जाती है। सेम एलिमेंट की आप आईडी का जो नाम है वो क्यों वही क्लास का भी दे सकते हो, बट जेक्वेरी की सिलेक्शन की जो बात आती है तो वो क्लास को ना सिलेक्ट करते हुए पहले आईडी वाले को पहले प्रेफरेंस देता है। इसलिए यहां पर मैं इसको रीजन बोल दूंगा, एक क्लास मैंने दे दी इसको रीजन। सो यहां से जब इसको मैं पिक करूंगा तो ऐसा एलिमेंट जिसकी क्लास क्या हो, रीजन हो, डॉट रीजन, या फिर मैं स्पेसिफिकली बोल सकता हूं सिलेक्ट डॉट रीजन, सिलेक्ट
ऐसा एलिमेंट और ऐसा कौन सा सिलेक्ट एलिमेंट जिसकी क्लास क्या हो, रीजन हो, उसके चेंज पर मुझे कॉल बैक फायर करना है, और कॉल बैक में हेलो हाय कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पर। सो यहाँ पर मैंने लिख दिया, जैसे हाय लिख दिया। अब आप देखिएगा, रिफ्रेश किया मैंने, ये हाय मैसेज तब तक नहीं आएगा जब तक मैं यहाँ पर कुछ चेंज नहीं करूंगा। जैसे ही मैं चेंज किया ये हाय मैसेज, तो वो इवेंट ट्रिगर हुई। ठीक है, इसी इवेंट पर मुझे क्या करना है, इसी इवेंट पर मुझे एक एजेक्स रिक्वेस्ट परफॉर्म करना है। सो जो वैल्यू अभी मैंने सिलेक्ट करी है उसको गेट करना है, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा दिस डॉट वैल। सो दिस डॉट वैल से क्या हो गया, दिस मतलब इवेंट जिस पर हो रही है, और उसकी वैल मतलब क्या करंट सिलेक्टेड वैल्यू है। ठीक है, सेव किया, आउटपुट देखा, रिफ्रेश किया, यहां पर देखिएगा यदि मैं एशिया सिलेक्ट करूंगा, तो देखिए क्या आ रहा है, एएस आ रहा है, दिस डॉट वैल्यू। सो दिस क्या है, ऑब्जेक्ट, और वैल्यू उसकी क्या है, प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट डॉट प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको मैंने कमेंट किया, और यहां से मैं एक एजेक्स रिक्वेस्ट स्टार्ट करूंगा। सो एजेक्स रिक्वेस्ट होता है डॉलर डॉट एजेक्स, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पास करते हैं, और उसके अंदर यू आर एल कॉलन समथिंग, डेटा कॉलन समथिंग, एंड सक्सेस कॉलन कॉल बैक फंक्शन, और यहां पर आता है रिस्पॉन्स। अब यूआरएल का मतलब आपको रिक्वेस्ट कहां करनी है, रिक्वेस्ट कहां करनी है, और आपको रिस्पॉन्स में डाटा क्या मिलेगा। सो डेफिनेटली मुझे रिक्वेस्ट कहां करनी है, मेरे कहीं ना कहीं कंट्रोलर पे ही करूंगा, जहां पर मैं क्या करूंगा, मैं भेजूंगा क्या, मैं कॉन्टिनेंट कोड भेजूंगा, कॉन्टिनेंट कोड भेजूंगा, और मुझे लिस्ट ऑफ कंट्रीज मिल जानी चाहिए। मैंने भेजा ए एस, तो उसने मुझे रिटर्न में दे दिया इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारे एशिया में जितनी भी कंट्रीज है उनकी लिस्ट दे देगा मुझे। तो मुझे, मैं दो लेटर दूंगा किसी कंट्रोलर की किसी मेथड को, वो मुझे रिटर्न में क्या दे देगा, लिस्ट ऑफ कंट्रीज दे देगा। सो यहां पर अब हमें वही काम करना है। सो हमें ये डिसाइड करना है कि वो कौन से कंट्रोलर और कौन सी मेथड पर हम यहाँ पर वो गेट करेंगे। सो अभी के लिए मैं ऐसा कर लेता हूं कि इसी पर एक और मेथड बना लेता हूं, जिसको बाद में हम कहीं पे भी मूव कर देंगे, बट अभी सिंपल रखने के लिए यहां पर रख दिया। सो गेट कंट्रीज बाय कॉन्टिनेंट, गेट कंट्रीज बाय कॉन्टिनेंट, नाम से ही उसका काम पता चल रहा है कि ये क्या रिटर्न करेगा। ये रिटर्न कंट्रीज करेगा कब, जब आप इसको क्या सप्लाई करोगे, कॉन्टिनेंट सप्लाई करोगे। सो यहां पर ये रिसीव क्या करेगा, कॉन्टिनेंट, ये यहां पर रिसीव कॉन्टिनेंट करेगा। सो मुझे यहां जो रिक्वेस्ट करनी है, मैं रिक्वेस्ट करनी है यहां पर किसको रिक्वेस्ट करूंगा, बेस यूआरएल को, बेस यूआरएल फंक्शन, और यहां पर मुझे किसको करनी है, कैरियर्स कंट्रोलर के, या आप ये लिख सकते हो सिस्टम एडमिन के अंदर, कैरियर्स के अंदर के, कैरियर्स के अंदर गेट कंट्रीज बाय कॉन्टिनेंट। सो गेट कंट्रीज बाय कॉन्टिनेंट, ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया, एक बार इसका कोड के फुटर ही फुटर में जाके देख लेना कि कहीं कोड जनरेट हुआ कि नहीं हुआ। सो नीचे नीचे जाना और आपको पता चल जाएगा जो कोड जनरेट हुआ ना आपका, ये देखिए पूरा जनरेट हो गया कोड। डाटा क्या भेजना है और
रिस्पॉन्स कोड क्या होगा। सो इसके चेंज पर मुझे ये सारे फॉर्म को डेटा को क्या करना है, गेट या फिर सारे फॉर्म के डेटा को नहीं, सिर्फ मुझे तो कंट्री लेना है और कंट्री भेजना है। सो यहां पर डेफिनेटली कि ये मेरा एडमिन कंट्रोलर से एक्सटेंडेड है और एडमिन कंट्रोलर ये रहा एडमिन कंट्रोलर बेस कंट्रोलर से एक्सटेंडेड है। ये जो भी मेरा कंट्रोलर होगा वो अल्टीमेटली फॉर्म कंट्रोलर से जाना चाहिए। सो एडमिन कंट्रोलर को भी मैंने क्या बोल दिया, यहां मैंने रिक्वेस्ट किया, यहां पर मैं कॉन्सोल लॉग करवा लेता हूं, जैसे मैंने यहां पर किया कॉन्सोल डॉट लॉग किया और रिस्पॉन्स को मैंने यहां पर कॉन्सोल लॉग कर दिया और यहां पर मैंने लिख दिया रिस्पॉन्स। ठीक है, यहां पर मैंने रिस्पॉन्स किया, डाटा क्या भेज रहा हूं, डाटा यहां पर मुझे क्या भेजना है, सो दिस डॉट वैल्यू। सो डाटा में मैंने क्या भेजा, यहां पर मैंने डेटा भेज दिया। सो मेरा जो डाटा है वो क्या है, this dot value, ठीक है। और response में, यहां पर response में मैं क्या भेज देता हूं, मैंने echo करवा दिया hello, ठीक है, response में मैंने hello भेजा। मैं यहां से refresh करवाऊं, ठीक है, console पे गए, यहां से आप देखिएगा जैसे मैंने एशिया किया और मुझे रिटर्न में कॉन्सोल लॉग पे क्या मिल गया, हेलो मिल गया, मतलब सक्सेसफुली मैंने लेटर एएफ भेजा और वो वहां से क्या हो गया, मुझे हेलो रिटर्न में मिल गया। सो यहां पर मुझे गेट करना है, अगर आप यहां पर नेटवर्क टैब में जाएंगे, अब आपको सारे टैब धीरे धीरे काम आएंगे। सो अब आपको नेटवर्क टैब पे जाना पड़ेगा और नेटवर्क टैब पे ये सारे क्लियर किए और यहां से आप देखिएगा वापस से मैं जैसे यूरोप ले लिया, तो रिक्वेस्ट मेरी कहां जा रही है, ये देखो यहां जा रही है। सो डीटी इज इक्वल टू, सो मेरा एक क्वेरी स्ट्रिंग बना डीटी एंड ईयू। अब डीटी को बजाय की डीटी बोलने की बजाय मैं इसको कॉन्टिनेंट बोल सकता हूं। सो ये जो मेरा वेरिएबल है इसको मैंने बोल दिया कॉन्टिनेंट, ठीक है, तो कॉन्टिनेंट इज इक्वल टू ईयू आ जाएगा मेरा। तो रिफ्रेश किया मैंने, नेटवर्क टैब पे आपको रहना है, ये सारे प्रीवियस लॉग क्लियर किए, यहां से जैसे ही मैं जाऊंगा एशिया लिखा, सो गेट कंट्रीज बाय कॉन्टिनेंट एंड कॉन्टिनेंट इज इक्वल टू एएस स्टेटस 200 और ये रिक्वेस्ट हुई हमारी बेसिकली, और उसने मुझे रिटर्न में रिस्पांस में क्या दे दिया, हेलो दे दिया, मगर मुझे हेलो नहीं, मुझे कंट्री की लिस्ट चाहिए। ठीक है, सो यहां पर आपको कंट्री की लिस्ट आपको चाहिए और वो कंट्री की लिस्ट फिर यहां पर आपको अपेंड करवानी पड़ेगी कि ये कंट्रीज हैं। ठीक है, सो वो हम कर सकते हैं। ठीक है, सो यहां पर मैं गया और इस कंट्रोलर पर गया, यहां पर आया और यहां पर अब मुझे रिसीव करना है। सो रिसीव करना है तो शायद ये इस वेरिएबल में मैं ले लेता हूं, अगर मैं इस वेरिएबल को एको करवाने की कोशिश करूं तो क्या मुझे वो मिल रहा है क्या, देख लेते हैं। सेव किया, आउटपुट देखा, रिफ्रेश किया मैंने, सिस्टम एडमिन आ रहा है, पता नहीं कुछ और आ रहा है। ठीक है, सो इस वेरिएबल में तो हमारा वैल्यू नहीं आ रहा है क्योंकि क्वेरी स्ट्रिंग्स है, तो क्वेरी स्ट्रिंग्स आ रहा है तो हमें अच्छी तरीके से पता है क्वेरी स्ट्रिंग वाली वैल्यू को कैसे रिसीव करते हैं, डॉलर अंडरस्कोर गेट से रिसीव करते हैं। यहां पर मैं बोल दूंगा कॉन्टिनेंट, AS मिल गया, जो भेजा था वही रिसीव हो गया,
ये लेटर मुझे सर्वर पर मिल गया, इस लेटर को मैंने एक वेरिएबल में लिया, जैसे मैंने कॉन्टिनेंट में लिया, डॉलर कॉन्टिनेंट में लिखा। और जब भी हम क्रड ऑपरेशन करते हैं तो कभी भी कंट्रोलर पे नहीं करते हैं, क्रड ऑपरेशन हमेशा कहाँ होते हैं, मॉडल पर होते हैं, और मॉडल पर हमें एक मॉडल फाइल बनानी पड़ेगी। सो यहाँ पर ये देखिए एक मॉडल फाइल है। सो एक मैं मॉडल बना लूंगा, कंट्रीज नाम का मॉडल बना लूंगा, क्योंकि हर एक चीज के लिए एक सेपरेट मॉडल होना चाहिए। कंट्रीज का कुछ भी करना है, कंट्रीज गेट करनी है, कंट्रीज इंसर्ट करनी है, अपडेट करनी है, ये करना है, वो करना है, कंट्रीज से रिलेटेड कंट्रीज का एक मॉडल हो। सो यहाँ पर कोई सा भी एक कंट्रोलर ले लेना, उसी का एक क्लोन कर लेना, कॉपी पेस्ट ही चलेगा। और यहाँ पर डोमेन की जगह मैंने लिख दिया कंट्री मॉडल, जो फाइल का नाम वो क्यों वही क्लास का नाम। सो कंट्री मॉडल, और यहां पर मेथड मैंने क्या दे दिया, ये के यही मेथड यहां पर भी मैंने दे दिया। क्वेरी को मैं यहां से हटाता हूं, ठीक है, क्वेरीज को मैंने यहां से हटाया, और यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगी, कॉन्टिनेंट आ जाएगा, कॉन्टिनेंट। सो इस मेथड को मुझे कॉल करना पड़ेगा। अब मैं ऑलरेडी यहां पर हूं, अब यहां से मुझे कॉन्टिनेंट मॉडल इज इक्वल टू डॉलर दिस मॉडल और कंट्री मॉडल। कंट्री मॉडल ये किया, और डॉलर दिस ये कंट्री मॉडल है ना, सो कंट्री मॉडल की कौन सी मेथड, गेट कंट्रीज बाय कॉन्टिनेंट, और इसके अंदर सप्लाई क्या कर दूंगा मैं, ये कॉन्टिनेंट का जो दो लेटर आ रहा है मैं ये इसके अंदर सप्लाई कर दूंगा, ये मुझे रिटर्न में रिजल्ट देगा। सो रिजल्ट, सो डेफिनेटली मुझे यहां से क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा, जो भी मेरा रिजल्ट आ रहा है वो मुझे रिटर्न करना पड़ेगा। सो क्वेरी क्या बनेगी, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम, यह दो ही ले लेते हैं, क्योंकि स्टार करने से क्या होगा, सारे के सारे कॉलम आ जाएंगे आपके, और सारे कॉलम हमें नहीं चाहिए, सिर्फ दो ही कॉलम चाहिए, आईडी वाला और कंट्री नेम, सिर्फ दो ही कॉलम से मतलब है, अदरवाइज अननेसेसरी बहुत सारी फील्ड्स आ जाएंगी, इसलिए स्टार लगाने की बजाय आप आईडी कॉमा कंट्री नेम ले लेना। सो सिलेक्ट स्टार की बजाय, क्योंकि अगर स्टार बोलोगे तो ये सारे कॉलम्स आ जाएंगे आपके रिटर्न में, सो सिलेक्ट आईडी कॉमा कंट्री अंडरस्कोर नेम फ्रॉम आपके टेबल का नाम। सो एसएमटीपी कंट्रीज, उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा वेयर, ठीक है, उसके बाद आपको लगाना पड़ेगा वेयर व्हाट, वेयर वेयर कॉन्टिनेंट, वेयर कॉन्टिनेंट इज इक्वल टू कॉलम इज इक्वल टू वैल्यू, वैल्यू हमेशा सिंगल कोटेशन में, और ये जो दो लेटर यहां पर आ रहे हैं ये आपको यहां पर सप्लाई करने हैं। उसके बाद क्वेरी आएगी, और क्वेरी के रिजल्ट को मैं मान लीजिए यहां पर पूरा के पूरा मैं रिटर्न करवा देता हूं, ये पूरा के पूरा रिजल्ट आया, मैं यहां पर रिटर्न करवा दिया, ठीक है, और यहां पर इस रिजल्ट को मैं यहां पर क्या कर लेता हूं, वार्डम करके देख लेता हूं। सो डॉलर रिजल्ट सेव किया और आउटपुट देखा। अभी इंसर्ट तो बाद में, पहले तो इतना खेल चल रहा है कि ये करने पर हमारा वो हो जाए बेसिकली। सो यहां पर गया, मैंने एशिया सिलेक्ट किया और ये रिजल्ट आ रहा है, कितने 52 कंट्रीज हैं जो किसको बिलोंग करती हैं, एशिया को। तो यहां पर कंट्रीज मॉडल के अंदर डायरेक्ट न करते हुए आप सारे रिजल्ट्स को एक लूप चला के रिटर्न करवा दीजिएगा,
जैसे कि यहां पर मैंने बोला कि डॉलर डाटा इज इक्वल टू एम्प्टी, व्हाइल पहले तो यहां पर मैंने चेक कर लिया कि इफ नंबर ऑफ रोज इज ग्रेटर देन, इफ नम अंडरस्कोर MySQLi underscore num underscore rows of what field result if number of rows is greater than zero, मतलब result यदि हमारे पास हो तो हमें while loop चलाना है. So हमें while loop चलाना है और यहां पर मैं सारा data collect करूंगा MySQLi underscore fetch asag और यहां पर result variable लेना है. So dollar ये लिया मैंने और मेरे डॉलर डाटा को इस तरीके से डॉलर रो में लिया और लास्ट में जाने के बाद मैं क्या करूंगा, रिटर्न करवा दूंगा, डॉलर डाटा को रिटर्न करवा दिया. क्योंकि इस लूप में ऐसा होगा कि वो डाटा कलेक्ट कर लेगा, वो अभी 52 कंट्रीज आ रही ना, वो क्या करेगा, फर्स्ट रिकॉर्ड लिया उस डाटा वेरिएबल में डालेगा, डाटा वेरिएबल में डाल के जब डाटा वेरिएबल पूरा 53 रिकॉर्ड से पैक हो जाएगा उसके बाद में फंक्शन से क्या करवा रहा हूँ, उसको रिटर्न करवा दिया. फिर यहाँ पर आप जाके आपने क्या करवा दिया, वार्डम करवा दिया. तो पहले वार्डम में क्या है कि ऐसा मिल रहा था, मगर आपके वार्डम में आपको पूरी की पूरी कंट्री की लिस्ट मिल जाएगी क्योंकि पहले आपने क्वेरी को रन किया और रिजल्ट को डायरेक्टली रिटर्न करवा दिया. और अभी मैंने क्या किया, क्वेरी को रन किया, मेरा रिजल्ट आया, रिजल्ट में मैं घुसा, एक एक के डाटा को मैंने निकाल निकाल के डाटा वेरिएबल में रखा, वहां से रिटर्न करवा दिया, यहां पर आके मैं वार्डम करवा रहा हूं. तो यहां पर मैंने रिफ्रेश किया, ये पूरी कंट्री की लिस्ट आ गई मेरे पास, ये पूरी की पूरी कंट्री लिस्ट अब मैं व्यू पर रिटर्न करवा सकता हूं. सो रिटर्न करवाने के लिए यहां पर आपको कैसे करवाना है, हमेशा जब भी आप कोई APIs बनाते हैं या Ajax के कोई भी रिक्वेस्ट आता है तो हमेशा JSON एनकोड और डिकोड करके आपको भेजना पड़ता है. सो सर्वर से क्लाइंट पर मैं JSON में क्या करूंगा, एनकोड करूंगा और यहां पर मैंने एनकोड कर दिया. आप चाहें तो इस रिजल्ट वेरिएबल को एनकोड करके आप भेज दीजिए क्योंकि रिस्पांस में कंसोल लॉग मेरा पूरा के पूरा डाटा आ जाएगा. मतलब यहां पर ये देखो, ये पूरा पूरा डाटा आ रहा है मगर अभी कंप्लीटली अरे आ रहा है. मुझे यहां पर दो टैब काम आएंगे अब आपको जब भी आप jQuery जावास्क्रिप्ट में काम करेंगे, कंसोल और नेटवर्क. नेटवर्क टैब में इसको जाके पूरा खाली कर रहा हूं. अब यहां से देखिए मैंने एशिया सिलेक्ट किया, एशिया ये पूरी जेसन की स्ट्रिंग बन गई पूरी. सो जेसन की स्ट्रिंग में आ रहा है स्क्वायर ब्रैकेट कंटेनिंग कर्ली ब्रेसेस इज नथिंग बट अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मैंने रिस्पॉन्स में यहां पर लेके आ गया हूं. ये आ गया ना अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स यहां पर. अब आपको क्या करना है, ये अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स आ रहा है नाउ. आपको अगर मैं यहां पर बताऊं तो ये क्या कर रहा है, दिस इज कन्वर्टिंग एरे टू जेसन स्ट्रिंग. सर्वर साइड पर क्या हो रहा है, एक अरे को आपने किसमें कन्वर्ट किया, जेसन स्ट्रिंग में. तो क्लाइंट साइड पर जस्ट अपोजिट होगा, जेसन स्ट्रिंग को अरे में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो ये सर्वर साइड पर हमने ये काम किया तो क्लाइंट साइड पर इसका जस्ट अपोजिट हम करेंगे. ये रहा मेरा क्लाइंट साइड और यहां पर मैं क्या करूंगा, जेसन स्ट्रिंग टू अरे और अरे इज नथिंग बट जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं. सो आप इसको अरे स्लैश ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है. So, यहां पर उल्टा काम होगा. सो पीएचपी में अरे को ऑब्जेक्ट में जेसन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए जेसन एनकोड होता है. तो क्लाइंट साइड पर जावास्क्रिप्ट में जेसन स्ट्रिंग को अरे में या जेसन स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, जावास्क्रिप्ट के अंदर एक बिल्ट इन फंक्शन होता है जेसन डॉट पार्स. जेसन डॉट पार्स एक फंक्शन होता है जिसके थ्रू आप ये कन्वर्ट कर सकते हो. सो मैंने उसी वेरिएबल को रीयूज कर लिया. So response is equal to response
और अब वापस से मैंने कंसोल लॉक कर लिया। कि एक पार्स करने से पहले यहां पर जेसन स्ट्रिंग है और यहां पर जेसन ऑब्जेक्ट मिल जाएगा मुझे। सेव किया, रिफ्रेश किया, नेटवर्क टैब में मैं गया, ये क्लियर लॉक्स किए, कंसोल में गया, ये क्लियर लॉक्स किए, दोनों क्लियर। अब देखिए एशिया या अफ्रीका ले लेते हैं, ये अफ्रीका की अल्जीरिया, अंगोला, बेनिन, बोत्सवाना, ये सब किस कॉन्टिनेंट में आते हैं? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आते हैं। कंसोल में गया तो देखिए ऊपर ही ऊपर मुझे जेसन स्ट्रिंग मिल रही है और नीचे जाके ऑब्जेक्ट मिल रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में घुस के मैं वैल्यूज को, प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता हूं, मगर जेसन स्ट्रिंग में नहीं घुसा जा सकता। जेसन स्ट्रिंग तो एक प्रकार की एक स्ट्रिंग है, मगर आपको अगर अंदर जाके उनकी प्रॉपर्टीज को जाके अगर एक्सेस करना है तो उस जेसन स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जेसन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो जेसन डॉट पार्स ये वही काम कर रहा है। अब ये जो भी आया है, ये डेटा को आया है, इसको लूप चला के आपको कहां पर अपेंड करवाना है? यहां पर अपेंड करवाना है, ठीक है, इस कंट्रीज वाले में। सो यहां पर आप इस कंट्री वाले को आप देख लीजिएगा। सो ये सिलेक्ट है, सो ये यहां पर मैं गया ऐड कैरियर्स, ये कंट्रीज वाले को कोई ना कोई आपको यहां पर क्लास देनी पड़ेगी। सो यहां पर मैंने इसको कंट्रीज दे दिया कि कंट्रीज। सो यहां फुटर में गया, सो यहां पर मैंने लिखा डॉलर सिलेक्टर, सो जिसकी क्लास कंट्रीज है उसकी मुझे क्या करना है, उसमें मुझे अपेंड करना है, अपेंड करना है। और क्या अपेंड करना है मुझे? सबसे पहले तो यहां पर मैं एक HTML मेथड लेके उसको खाली कर देता हूं, तो देखना क्या होता है कि कंट्रीज को लिया और उसकी HTML मेथड मैंने खाली कर दिया, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, इस सिलेक्ट के अंदर, सिलेक्ट के स्टार्ट और सिलेक्ट के क्लोज के बीच में क्या है, एक ऑप्शन है, ये उसका चिल्ड्रन है। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मेरे पास डाटा आएगा उस ऑप्शन को मैं खत्म कर रहा हूं। सो अब आप देखिएगा यहां पर, ठीक है, सो यहां पर ये देखिए मैंने यहां से अगर एशिया लिया तो वो खाली हो गया, अब इस सिलेक्ट के अंदर कुछ भी नहीं बचा। अब आपको क्या करना है, एक लूप चला के उसको जनरेट करवा देना है। सो यहां पर मैंने लिया जावास्क्रिप्ट का एक फॉरिच ले लीजिए, जैसे कि जावास्क्रिप्ट फॉरिच, ठीक है, जावास्क्रिप्ट का अगर फॉरिच देखेंगे आप तो सिंपल सा फॉर्मेट होता है, फॉरिच वाला एक सिंटेक्स ले लीजिएगा। ये फॉरिच और ये फंक्शन कॉल कर रहा है, ठीक है। सो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, रिस्पॉन्स डॉट, रिस्पॉन्स डॉट फॉर ईच, और यहां पर मैं कॉल बैक फंक्शन दे सकता हूं, ठीक है, यहां मैंने कॉल बैक फंक्शन दिया और अपेंड किया, और अपेंड मुझे एक्चुअल में किसको करना है, ऑप्शंस को, ऑप्शन को अपेंड करना पड़ेगा, ऑप्शंस, ऑप्शंस यहाँ वैल्यू में, वैल्यू में मुझे कंट्री आईडी चाहिएगी और सिंगल कोटेशन से चालू है, सिंगल कोटेशन से खत्म है, बीच में सिंगल कोटेशन से ब्रेक करना पड़ेगा और यहाँ पे भी सिंगल कोटेशन से ब्रेक करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट में प्लस का मतलब कंकैटिनेशन होता है, क्योंकि आप जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पर फॉर ईच में आइटम और इंडेक्स, इसके कॉल बैक्स में आइटम और इंडेक्स ले लीजिएगा। सो किस इंडेक्स पर क्या आ रहा है, सो यह मान लीजिए मैं अभी आइटम और आइटम डाल देता हूँ, आइटम आइटम डाल देता हूँ, पता तो चले क्या हो रहा है।
ठीक है, एशिया, ऑब्जेक्ट 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 आ गया। सो हो सकता है आइटम डॉट डॉट कंट्री अंडरस्कोर नेम अगर लिखूं तो काम हो जाए क्या हमारा, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, मगर ये तो आगे यहाँ कंट्री आईडी चाहिए, तो यहाँ पर अगेन मैं क्या बोल सकता हूँ, आइटम डॉट आईडी, सेव किया, आउटपुट देखा, रिफ्रेश किया, गया। अब जैसे मैंने अफ्रीका चूज किया तो अफ्रीका की वो पूरी खाली होके ही अफ्रीका की कंट्रीज आ गई। जिम्बाब्वे अफ्रीका में है। अब जैसे एशिया में इंडिया है, तो ये देखिए ये इंडिया आ गया। इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, कजाकिस्तान, मालदीव्स, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, फिलीपींस, सऊदी अरेबिया, कतर, ये सारी कंट्रीज किस में आ रही हैं, एशिया में आ रही हैं। तो इस तरीके से सक्सेसफुली अंटार्कटिका में ये तीन चार कंट्रीज ही हैं, और शेनिया में साउथ सोमानिया, ये ऐसी कंट्रीज हैं जो ये आ रही हैं बेसिकली। ठीक है, सो इसके अंदर सक्सेसफुली मैंने आपको ये बताया है। सो ठीक है, और हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में इसको अब मैं, क्योंकि हमारे पास रीजन आ गया है, कंट्रीज आईडी आ गई है, अब मुझे सिर्फ इसमें एंट्री करनी है एक सिंपल सा क्रिएट ऑपरेशन करना। तो हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्रिएट ऑपरेशन बता दूं। वीडियो को क्लोज करने से पहले जो है इसका जिप बना देता हूं मैं आपको।